महाविदेह क्षेत्र में पृथ्वी के आभूषण समान पुंडरीकिनी नगरी थी, जहां धनरथ नामक राजा राज्य करता था। राजा के दो पुत्र थे, एक का नाम मेघरथ, एक का दृढ़रथ। युवान वय पाते ही उनकी शादी हुई। एक दिन मेघरथ राजा पौषधशाला में पौषध लेकर भव्यजनों को जैन धर्म के अहिंसा और अनुकंपा के महत्व के बारे में समझा रहे थे। तभी एक कांपता हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ कबूतर राजा मेघरथ की गोद में आकर छिप गया और आश्चर्य यह था कि मनुष्य की भाषा में अभेदान मांगने लगा और राजा मेघरथ ने उसको रक्षण का वादा दिया और भय से मुक्त होने को कहा। और तभी वहां पर एक क्रूर बाज पक्षी आया और वो भी मनुष्य की भाषा में राजा से विनती करने लगा कि हे राजा, आप तो धर्म जानते हो, यह कबूतर मेरा भक्षण है और इसे मुझे सौंप दीजिए। राजा मेघरथ ने उत्तर दिया कि यह कबूतर मेरी शरण में आया है और मैंने उसे शरण दी है, रक्षण का वादा भी किया है, इसलिए अब कोई देव भी आ जाए तो भी मैं इसे नहीं दूंगा। और तो और, कोई अन्य जीव को अगर भोजन मानकर खाता है, उसका भक्षण करता है, तो वह पोषण नहीं बल्कि शोषण है और एक बार भोजन न करके किसी के प्राण नहीं निकल जाते। बाज अब कहने लगा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप इस कबूतर की रक्षा करके मेरा शोषण कर रहे हैं। कबूतर जैसे भय से पीड़ित है, वैसे ही मैं भी भूख से पीड़ित हूँ। शरण में आने वालों की पीड़ा दूर करके आप अभेदान देते हैं तो मैं भी आपकी शरण में आया हूँ। ऐसा सोचकर मेरा भक्षण मुझे सौंप दो और मेरी भूख की पीड़ा को दूर करो। मेघरथ राजा ने शांतिपूर्वक कहा कि हे बाज, तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो मांस के भक्षण से मतलब है, इसलिए इस कबूतर के बराबर मेरे शरीर का कोई भी हिस्से का मांस मैं देने के लिए तैयार हूँ। राजा के आदेश अनुसार तोलने के लिए तराजू मंगवाया गया। एक तरफ कबूतर को रखा गया और अहिंसा में विश्वास रखने वाले मेघरथ राजा की वीरता देखिए, तराजू के दूसरी तरफ राजा अपना मांस काटकर डालने लगे। यहां तक तो सब समझ में आता है, लेकिन आगे एक भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई। जैसे जैसे राजा अपना मांस काटकर तराजू में रखते गए, वैसे वैसे कबूतर की तरफ वाला तराजू का वजन बढ़ता गया। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। अंत में राजा खुद ही तराजू में जाकर बैठ गए। राजा मेघरथ बोले कि मेरी आत्मा और देह दोनों आज धन्य हो गए, क्योंकि आज मेरा ये नाशवंत और अनित्य शरीर किसी आत्मा की पीड़ा दूर करने का कारण बन गया। हे बाज पक्षी, मेरा समग्र देह अब तुम्हारा है, मेरे शरीर का भोजन करके तुम अपनी भूख को शांत करो। करुणा के अवतार रूप मेघरथ राजा ने जैसे ही यह बात कही, तभी जय जय इन शब्दों के साथ एक देव प्रकट हुआ और उसने कहा, राजन, आप धन्य हैं, आपका जीवन धन्य है, क्योंकि आप पुरुषार्थ से कभी भ्रष्ट नहीं हुए। हमेशा आपके सत्व की प्रशंसा सुनी और इसी प्रशंसा की सच्चाई जानने के लिए मैंने ही आपकी परीक्षा ली थी। मेरे द्वारा हुए इस अपराध को क्षमा करना। इतना कहकर कबूतर और बाज अदृश्य हो गए। ये मेघरथ राजा और कोई नहीं, हमारे 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान का 10वां भव है। परमात्मा श्री शांतिनाथ भगवान के महत्व के 12 भवों का वर्णन आता है और मेघरथ राजा का 10वां भव अहिंसा और अनुकंपा का परिचय देने का एक बेजोड़ उदाहरण है। जानवरों को मारने में क्या वीरता, अपने प्राणों को दांव पर लगाकर जो जीवों को बचाए, जीवों की रक्षा करे, वही है सच्ची वीरता। ऐसे वीडियोस जैन मीडिया पर आते रहेंगे। दोस्तों, जैन मीडिया द्वारा एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाला है। जानने के लिए आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिन शासन, जय शांतिनाथ।